प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दिल्ली जर्नल। बच्चों मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग सबसे पहले, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। तो आज हम फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इधर इन जर्नल और इन सब्सिडियरी बुक्स। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लेस, देन ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक एंड दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। बट इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्वाइट लार्ज, then the transactions are recorded in subsidiary books। ये बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। What is जर्नल and how to prepare जर्नल। बच्चों ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं जर्नल, आप ये मानकर चलिए कि आगे जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर हमने करनी है, प्लस वन में करनी है, प्लस टू में करनी है, जितनी आपने अकाउंटेंसी पढ़नी है, पूरी अकाउंटेंसी जर्नल के ऊपर ही बेस्ड है। और जर्नल करने के लिए आपको रूल्स आने चाहिए। इससे पहले मैंने टॉपिक आपको करवाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर रूल्स आपको आते हैं, जर्नल आपको समझ आ गया, साथ साथ आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आगे फिर हमने जो अकाउंटेंसी पढ़नी है उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये जर्नल आपको समझ नहीं आया, इस चैप्टर की आपने प्रैक्टिस नहीं की, चैप्टर आपने प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर आगे भी अकाउंटेंसी आपको समझ आने वाली नहीं है। तो बच्चों मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, इंटरेस्टिंग है। बस कंडीशन वही है कि कॉन्टिन्यूटी आपने साथ साथ चलना है। किसी भी लेक्चर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को हम नहीं छोड़ सकते बीच में। तो आपने इस चैप्टर पे खासतौर पर फोकस करना है। अगर जर्नल प्रिपेयर हो गया तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जर्नल। ये जर्नल होता क्या है? बच्चों जर्नल एक बुक का नाम है। देखो मैंने लिखी डेफिनेशन, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक बुक है ये, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे ही कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, क्लियर। व्हाई इज इट कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? मैंने जो वर्ड लिखा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कोई भी ट्रांजेक्शन है सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद फिर वो लेजर में जाती है ट्रांजेक्शन, फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग होती है। आपको बताया था मैंने जर्नल है उसके बाद लेजर है, तो पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में, देयर आफ्टर इन लेजर। तो क्योंकि सबसे पहले यहां रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स व्हाई दिस बुक इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बच्चों जर्नल में जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। व्हाट इज जर्नलाइजिंग? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अब कम टू द पॉइंट कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, कि जर्नल बनाना कैसे है। देखिए बच्चों जब हम जर्नल बनाएंगे सबसे ऊपर आपने हेडिंग डालनी है। हेडिंग में आपने क्या ध्यान रखना है? एक तो हेडिंग हमारी सेंटर में होनी चाहिए, और एक कोशिश करना बच्चों हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स ताकि अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे। टोटल फाइव कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम एलएफ, एलएफ स्टैंड्स फॉर लेजर फॉर यू, एलएफ मींस लेजर फॉर यू, बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट वन इज अमाउंट डेबिटेड एंड लास्ट इज अमाउंट क्रेडिटेड। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, यू नो वेरी वेल।
In every business transaction, two accounts are affected. At least two accounts are affected. One is debited and other is credited. तो एक कॉलम अमाउंट डेबिट के लिए हो गया और एक कॉलम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड. ठीक है, अब देखो डेट में तो बच्चों आपने डेट ही डालनी है. जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है वो आपने यहां पे डेट डालनी है. पर्टिकुलर्स में हमने उसको रिकॉर्ड करना है, उसकी एंट्री करनी है. कैसे करनी है अभी आपको सिखाऊंगा. LF थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे. अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट मैंने आपको बता ही दिया. अब देखिए कैसे बनाते हैं. सपोज एक ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है 10th April 2020. ट्रांजेक्शन है बच्चों फर्नीचर परचेज फोर कैश 10,000. देखिए फर्नीचर परचेज फोर कैश ₹10,000. डेट क्या है 10th April 2020. तो बच्चों ईयर को आप ऊपर लिख सकते हो. ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा. यहां पर मैं लिख रहा हूं 10th April. अब देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. ये बातें आपको सिखाई हुई है पहले भी. किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट. ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि डेबिट किसे करना है क्रेडिट किसे करना है. इस अकाउंट की नेचर बच्चों दो तरह की अप्रोच मैंने आपको सिखाई है, अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच. मैंने कहा था कि रूल्स दोनों में सेम है बट एक्सप्लेन करते वक्त मैं अमेरिकन अप्रोच फॉलो करूंगा और बच्चों आप भी अमेरिकन अप्रोच ही फॉलो करना एज फार एज पॉसिबल, उसमें इजी रहेगा. वैसे आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, किसी के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो, बात वही है. लेकिन अगर हम अमेरिकन अप्रोच फॉलो करेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, सिंपल रहेगा. अमेरिकन अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच है. ये अप्रोच क्या कहती है? अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और लॉस और इनकम और रिवेन्यू. टोटल फाइव कैटेगरीज है. तो देखो बच्चों फर्नीचर अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट अकाउंट. रूल क्या था? इसकी भी नेचर क्या है? एसेट अकाउंट. बाई चांस बोथ आर एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट का रूल मैंने आपको क्या बताया था अमेरिकन अप्रोच में, कि एसेट अगर इंक्रीज हो रही है डेबिट और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट. अब देखो बच्चों फर्नीचर यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज, खरीदा हमने, डेबिट विद ₹10,000. कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज. कैश कम हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट विद ₹10,000. ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरी अप्रोच के अकॉर्डिंग चले दैट इज इंग्लिश अप्रोच, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आगे मैं अमेरिकन अप्रोच ही फॉलो करूंगा, वही कन्वीनियंट है. अब देखिए दोबारा डिस्कस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है. वो अप्रोच क्या कहती है? कि अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल. इस अकाउंट की नेचर क्या है? रियल अकाउंट. इस अकाउंट की नेचर क्या है? ये भी रियल अकाउंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो एसेट्स हैं वो नॉर्मली किस कैटेगरी में आती है? रियल अकाउंट. बच्चों रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फर्नीचर हमारे पास आया है, बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर गया है, एसेट आ रही है डेबिट और अगर कोई एसेट जा रही है क्रेडिट. तो देखो बात वही है बट वी विल फॉलो अमेरिकन अप्रोच. अब देखो बच्चों यहां कैसे रिकॉर्ड करना है, ये बातें तो मैंने आपको सिखा दी थी. आज तो मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं कि जर्नल में हम कैसे एंट्री करते हैं. देखो बच्चों सबसे पहले आपने लिखना है अकाउंट टू बी डेबिटेड. हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट. तो यहां से स्टार्ट करना है, फर्नीचर अकाउंट और डेबिट बच्चों आपने यहां पे लिखना है, बीच में स्पेस रहेगा, लास्ट में आपने क्या लिखना है? डेबिट. और कितने से डेबिट करना है? 10,000. तो अमाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे? 10,000. LF वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा. क्रेडिट किसे करना है? कैश अकाउंट. पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं, देयर आफ्टर क्रेडिट.
क्रेडिट के लिए बच्चों हम वर्ड यूज करते हैं टू, और थोड़ा हमने यहां पे स्पेस खाली रखना है। वो इसलिए खाली रखना है ताकि डेबिट वाला अकाउंट और क्रेडिट वाला अकाउंट दोनों हमें अलग अलग दिखे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पे हम थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट करना है, 10,000, इसके सामने और क्रेडिट में कितना लिखेंगे, 10,000। ये रूल्स, इसको हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, इसको हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं। ये एंट्री होगी, हर एंट्री में जितने रुपए डेबिट होंगे उतने रुपए क्या होंगे, क्रेडिट। दिस इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन एवरी ट्रांजेक्शन। बच्चों जो बैलेंस शीट में बनाया करता था, मैं कहता था आपको कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होएगा, वो इसी वजह से इक्वल होता है, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही अमाउंट क्या होगी, क्रेडिट। अब एक काम आपने और करना है, इस एंट्री के नीचे आपने इस ट्रांजेक्शन को ब्रीफ में लिखना है। ट्रांजेक्शन क्या थी, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज, और आपने फिर की लाइन भी लगानी है, ये लिखी, एंट्री कंप्लीट हो गई। बच्चों एंट्री के नीचे जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं नरेशन। इसको क्या कहते हैं, नरेशन। जर्नल में जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, हर एंट्री के नीचे हमने क्या लिखना है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। बच्चों अगर ट्रांजेक्शन छोटी है आप लिख सकते हो ऐसी चीज, अगर ट्रांजेक्शन बड़ी है उसको ब्रीफ करके लिखना है। एवरी जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाई अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन जरूर लिखनी है हर एंट्री के बाद। क्यों लिखनी है, वो इसलिए लिखनी है ताकि फ्यूचर में अगर कभी हम अपना जर्नल उठा के लिखें तो हमें मामला समझ आएगा कि भैया ये डेबिट क्यों करा था, क्रेडिट क्यों करा था, व्हाट इज द स्टोरी। नरेशन को देखने से पता लगेगा व्हाट इज द मैटर। तो जब भी हम कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे उसके साथ नरेशन जरूर लिखेंगे। तो ये पहली एंट्री होगी। मान लीजिए बच्चों एक ट्रांजेक्शन हो रहे, सपोज 12 अप्रैल। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इन जर्नल ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस डेट वाइज। 10 अप्रैल की ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे, 11 अप्रैल की 11 अप्रैल को, डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि 10 अप्रैल की आपने पहले रिकॉर्ड कर दी और 7 अप्रैल की बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। डेट वाइज 12 अप्रैल, ये लाइन हमने इसलिए लगाई है ताकि सारी एंट्रीज अलग अलग दिखे, नीट एंड क्लियर। देखो बच्चों एक ट्रांजेक्शन और लिख रहा हूं, सपोज सैलरी पेड 5,000, सैलरी पेड 5,000। देखो बच्चों विच टू अकाउंट विल बी अफेक्टिव, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, राइट। सैलरी अकाउंट की नेचर, बच्चों जब भी मैं नेचर पूछूंगा आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है मैं अमेरिकन अप्रोच की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो इसकी नेचर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। यही था ना रूल कि अगर कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। इंग्लिश अप्रोच भी यही कहती है, डेबिट एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट की नेचर, एसेट अकाउंट। देखो कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट करी है हमने, कैश विल डिक्रीज, और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्वाइट सिंपल, बस इतने कि आपको रूल्स पता हो। अब देखिए कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट आपने यहां लिखना है लास्ट में, ठीक है बच्चों। और कितने रुपए से डेबिट करना है, 5,000, इसके सामने अमाउंट डेबिट 5,000। थोड़ा स्पेस छोड़ना है, क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, टू कैश अकाउंट, इसी के सामने और क्रेडिट में लिखना है, हाउ मच, 5,000, 5,000 डेबिट हो गए, 5,000 क्रेडिट। अब नरेशन लिखनी है, ट्रांजेक्शन छोटी है तो एज इट इज लिख दो, अगर ट्रांजेक्शन बड़ी होती है हम उसको ब्रीफ करके लिखते हैं।
दिस इज नरेशन, ये लो बोल सो। देखो कुछ क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाओ, इसको रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं, एंट्री भी कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मेट ही बताना था कि कैसे हम जर्नल बनाते हैं, कैसे हम उसमें एंट्री करते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन की हम हर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर रोज दो तीन पॉइंट हम नए डिस्कस करेंगे और कुछ दिनों में हमारे ये जर्नल वाला चैप्टर तैयार हो जाएगा। बस आपने काम करने के साथ साथ इस चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू करनी है। अगर एक बार इस चैप्टर के ऊपर आपकी ग्रिप बन गई तो फिर आगे अकाउंटेंसी में आपको कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। हम उससे एक दो बात और बता देता हूं। एक तो जर्नल ये पूरा तैयार होने के बाद आपने यहां पे टोटल भी करना है, सभी एंट्रीज करने के बाद डेबिट वाले कॉलम का भी टोटल और क्रेडिट वाले कॉलम का भी टोटल। सपोज यहां का टोटल आ गया 1 लाख, तो यहां का टोटल भी डेफिनेटली कितना आएगा? 1 लाख। टोटल तो सेम ही आएगा, ठीक है। कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि हम जर्नल बना रहे हैं अपनी नोटबुक में या पेपर में, हम जर्नल बना रहे हैं और एक पेज के ऊपर हमारा जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ। एग्जाम में बहुत सारे ट्रांजेक्शन और एक पेज पे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करना है? एक पेज पे जितनी एंट्री होती है कर लो, फिर पहले पेज पर सबसे नीचे हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, यहां पे टोटल कर लेना है आपने, ठीक है बच्चों। जितना टोटल यहां का आएगा उतना ही टोटल यहां का आएगा। फिर जब नेक्स्ट पेज आप स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर आपने ये टोटल ही मेंशन करना है और वहां पर क्या लिखोगे? ब्रॉट फॉरवर्ड डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। बच्चों फिर बता रहा, मान लीजिए एक पेज पे आपका जर्नल पूरा नहीं हुआ तो उस पेज पे आपने नीचे टोटल करना है, लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड या सीएफ भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है हम इस टोटल को आगे लेके जा रहे हैं, और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपने वो टोटल ही लिखना है और उसके सामने क्या लिखोगे? ब्रॉड फॉरवर्ड या बीएफ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए सेकेंड पेज कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां पर भी आपने टोटल करना है और उस टोटल में इसको भी इंक्लूड करना है, अगेन सीएफ एंड बीएफ, कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस तरह से टोटल को हम अगले पेज पे आगे ले जा सकते हैं और लास्ट में जो अल्टीमेट टोटल आएगा वहां पर हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। एक पॉइंट हो रहा है, एलएफ की बात मैं कर रहा हूं, लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, एंट्री कैसे करनी है मैंने बता दिया, लास्ट पे टोटल कैसे करना है, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, ये सारी बातें हो गई। एक बात रहनी पेंडिंग, लेजर फोलियो। बच्चों लेजर फोलियो का मतलब है ये जितनी भी एंट्रीज मैंने यहां पे की है इन सबकी आगे जाके लेजर में पोस्टिंग होनी है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिकॉर्डिंग भी कह देते हैं और एंट्री भी कह देते हैं, लेकिन जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पोस्टिंग। वर्ड्स का फर्क है, रिकॉर्डिंग और एंट्री कहां पे होती है? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में, और लेजर में हम क्या करते हैं? पोस्टिंग। तो अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड तो यहां पे कर दी, अभी इन ट्रांजेक्शन को पोस्ट भी करना है और पोस्ट कहां पे करना है? लेजर में। बच्चों लेजर में ये जितने भी अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं ना, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे लेजर में हमने बनाने हैं। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज नोन एज लेजर। और लेजर में बच्चों बहुत सारे पेज होते हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेजर में सबसे पहला पेज होता है इंडेक्स का, कि कौन सा अकाउंट किस पेज पर है। अब जैसे देखो बच्चों, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट है 10,000, इसकी लेजर में पोस्टिंग होगी। कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होगी? फर्नीचर अकाउंट। मान लीजिए लेजर में फर्नीचर अकाउंट बना हुआ है पेज नंबर 7,
इसके सामने हम क्या लिखेंगे, पेज नंबर 7। कैश अकाउंट मान लीजिए लेजर में बना हुआ है पेज नंबर 11 पे, इसकी पोस्टिंग कब होगी, कैश अकाउंट में लेजर के अंदर। और मान लीजिए लेजर में ये बना हुआ है पेज नंबर 11, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर 11। यानी कि बच्चों एलएफ में आपने क्या लिखना है, एलएफ में आपने लिखना है, लेजर फोलियो में लिखना है आपने पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम जर्नल। पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम जर्नल, जर्नल से आप लेजर में जो पोस्टिंग करोगे, जिस पेज पर पोस्टिंग करोगे उस पेज का आपने नंबर डालना है। This is LF. बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो LF वाले कॉलम में आपने कुछ नहीं लिखना, ये ब्लैंक ही रहेगा। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज LF मीन, LF का मतलब क्या है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और बताता हूं कि LF वाला कॉलम जब हम जर्नल बनाते हैं उस वक्त तो ये ब्लैंक ही रहता है। LF वाला कॉलम हम फिलअप कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। आगे जाके जब हम इस जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जैसे जैसे हम पोस्टिंग करते जाएंगे पेज नंबर डालते जाएंगे, जिसके सामने पेज नंबर डल गया मींस उसकी लेजर पोस्टिंग हो गई। और अगर किसी एंट्री के सामने पेज नंबर नहीं डला मींस उसकी पोस्टिंग अभी रहती है। तो बच्चों दिस कॉलम इज फिल्ड अप नॉट एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री, दिस कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जर्नल क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट। आगे हमने प्रैक्टिस करनी है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।